नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम मोदी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रिया जी, लाइव सिटीज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रहे, यही मेरी शुभकामना है। अगर एलर्जी के हिसाब से देखा जाए तो ठंड का मौसम शुरू भी हो चुका है और शीतलहर भी पड़ने शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में शीतलहर में और ठंड में किस तरीके से लोगों को एलर्जी की समस्या होगी अगर देखा जाए तो? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एलर्जी के जो मरीज होते हैं, विशेषकर नेजो ब्रोंकियल एलर्जी बोला जाता है, यानी नाक की एलर्जी और सांस की एलर्जी, सर्दी होना, नाक से पानी, जुकाम, नाक बंद होना, गले में खराश होना और सांस लेने में दिक्कत, ये सारी समस्याएं बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको ठंड में होती है। कोल्ड और कोल्ड वेव उसी तरह से है जैसे हीट एंड हीट वेव। सामान्य रूप से गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन अब तो कम हो गया है। जब हवा चलती थी तो उसे हम लू कहते थे। उसी प्रकार सर्दियों में ठंड तो पड़ रही है, लेकिन जब हवा चलना शुरू होता है तो उसे कोल्ड वेव कहते हैं। कोल्ड वेव एलर्जी से हट के दो चीजों में बहुत घातक होती है, जो आज अखबारों में भी आपने देखा होगा। एक होता है स्ट्रोक, यानी जिसे लकवा मारना कहते हैं, चेहरा टेढ़ा हो जाता है। दूसरा कार्डियक प्रॉब्लम, यानी हार्ट के जो मरीज रहते हैं, हृदय के जो मरीज होते हैं, उनको ज्यादा समस्या होता है। जो दमे के मरीज होते हैं, ज्यों ही शीतलहरी चलती है तो उसके चलते उनको सांस लेने में कठिनाई, और विशेषकर अभी प्रदूषण, इट्स एन आइसिंग ऑन द केक, वो ऊपर से एक नया पदार्थ जुड़ गया है जो तकलीफ को बढ़ा रहा है, तो उसके चलते सांस के मरीजों को तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन जागरूकता के चलते और जानकारी के चलते अब लोग इतने अवेयर हैं कि एक एलर्जी का मरीज जिसको सर्दी की समस्या है, सांस की समस्या है, वो जाड़े का मौसम शुरू होने से पहले ही उचित मात्रा में अपनी दवाओं का सेवन या तो शुरू कर देते हैं या उनका स्टॉक रखते हैं कि जैसी जरूरत पड़े हम लेना शुरू करेंगे। एक वर्ग ऐसा है जिसको सांस लेने में दिक्कत है, परंतु कारण कुछ और है। कारण रहता है सिगरेट स्मोकिंग। बहुत लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग के चलते, धुएं से संपर्क के चलते, जिसे हम COPD बोलते हैं, फेफड़े के आंतरिक बनावट में परिवर्तन हो चुका हो, ऐसे मरीज जब जाड़े का मौसम में शीतलहर और ठंडी हवा का सामना करते हैं तो अचानक उनके सांस की नली में असामान्य संकुचन होता है, और सडन अटैक्स बोलते हैं हम उनको, कि अचानक रात में सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई। प्रॉपर ऑक्सीजन देना, नेबुलाइजर, जो इस वर्ग के सभी मरीज अपने, कोविड में देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि सभी लोग जागरूक हो गए, इसीलिए नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, जो बाकी पहले दुर्लभ थी, अस्पताल में ही मिलता था, आजकल इन सारी सुविधाओं को बहुत से लोग घर में भी रखते हैं। तो कहने का सारांश यही है कि चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे एलर्जी का मरीज हो, सामान्य ठंड और शीतलहरी दोनों में प्रभावित होते हैं, परंतु शीतलहरी में ठंड जब बह के आपके शरीर में, कान में टकरा रही है हवा के साथ, तो संक्रमण या ठंड के चलते प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसके अलावा जैसे इलाज की अगर बात कर ले इस समय, तो इलाज में अगर लोग आ रहे हैं करवाने के लिए तो इलाज कैसे होगा? इलाज उसमें पहले तो देखना पड़ता है कि वो पहले से कोई दवा ले रहे हैं कि नहीं। अगर दवा नहीं ले रहे हैं तो तुरंत उन्हें एंटी एलर्जिक, ऐसे समय मौसम में सर्दी के साथ बुखार हो जाता है तो बुखार की दवा देना, अगर बुखार लंबा है तो एंटीबायोटिक देना, और बुखार के साथ अगर बॉडी एक है, यानी अगर शरीर के मांसपेशियों में दर्द है, तो दो प्रकार की दवाओं को मिलाकर के देते हैं, जिससे कि शरीर में भी आराम रहे। गर्म पानी का सेवन, और अगर सांस की समस्या ज़्यादा है तो बिना रिस्क लिए उनको कहना चाहिए कि आप नेबुलाइजर लीजिए, घर में रखिए, और जो नेबुलाइजर आप सुबह शाम ले रहे थे उसको लेते रहिए। इसके अलावा अगर देख ले कि डॉक्टर से मिलने की सलाह जो है, तो कब कब और कैसे डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए? जो पहले के मरीज हैं जिनको कि हर बदलते मौसम में तकलीफ होती है, उन्हें तो शुरू होने से पहले ही
एक बार अपने स्थानीय चिकित्सक से संपर्क करके परामर्श ले लेना चाहिए कि क्या इस साल इस सीजन में कुछ विशेष सावधानी की जरूरत है। जैसे नए वेरिएंट का आगाज हुआ दुनिया में भी, तो मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आ रहे हैं जो इस सवाल को लेके आते हैं कि ये नया वेरिएंट पहले की तरह घातक है या कुछ नहीं होगा। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि कोविड की शुरुआत जब हुई थी तो सांस के मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करने की घोषणा की गई थी, या कहा जाता था कि भाई आप बहुत सतर्क रहिए, आप लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा बहुत कम मरीज देखा है जो पहले से दमे के मरीज है और उनको कोविड हुआ भी हो, क्योंकि अंततः जो इन्हेलर का इस्तेमाल हम करते थे जब सांस में दिक्कत होती थी, वही इन्हेलर वो किसी और रूप में पहले से ले रहे थे, तो उनका फेफड़ा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित चला गया। तो सर्दी के मरीज या सांस के मरीज एंटी एलर्जिक सांस की दवा, नाक के मरीज नेजल स्प्रे और दमे के मरीज इन्हेलर, इसके साथ गर्म पानी, काढ़ा, कफ सिरप, इनका नियमित इस्तेमाल पूरा जारा करिए। च्यवनप्राश अगर आप लेते हैं लीजिए, आंवला का सेवन करिए, धूप का सेवन करिए, अब स्वयं को सुरक्षित और महफूज रखिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, सभी को नमस्कार। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।